दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। अखंड भारत संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में निकली भव्य मशाल यात्रा में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे मान्य उज्जैन विभाग मंत्री रामजी ओरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित उज्जैन जिला ग्रामीण से जिला अध्यक्ष नारायण सिंह पवार, जिला मंत्री नागेश्वर राठौर, जिला सह संयोजक विष्णु मालवीय, प्रखंड अध्यक्ष मोहन सिसोदिया, प्रखंड मंत्री भूपेंद्र सिंह चौहान, प्रखंड संयोजक सुरेश सिंह आंजना, विभाग गोरक्षा प्रमुख भारत सिंह तंवर, विभाग सह गोरक्षा प्रमुख ओम प्रकाश पाठक, जिला गोरक्षा प्रमुख अर्जुन सिंह रावत, खेड़ी जिला सह मंत्री मेहरबान वर्मा, जिला सह गोरक्षा प्रमुख धन सिंह पवार, जिला बालो उपासना प्रमुख नितेश वर, जिला प्रचार प्रसार प्रमुख विक्की राठौर एवं पूर्ण प्रखंड कार्यकारिणी एवं खंड के कार्यकर्ता एवं ग्राम समिति के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मशाल रैली निकाली गई है, किस उपलक्ष्य में निकाली है और किस किस गांव से संख्या बल आया है और इसका क्या संदेश है देश के? ये जो मशाल रैली निकाली है ये भारत अखंड संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष अनुसार ये कार्यक्रम हम करते हैं जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा किया जाता है। ये इस उपलक्ष्य में है कि भारत के जो अटूट अंग जो थे वो खंडित हुए हैं, उसको पुनः भारत में जोड़ने का काम ये करते हैं और समाज इसलिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यक्रम करते हैं। अच्छा, ये जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बारे में जो पार्टियाँ अपने बयान देती है कि विश्व हिंदू परिषद को बैन कर दिया जाना चाहिए, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब जो पार्टियां कहती है उनका तो भगवान ही रखवाला है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक समाज में कार्य करता है और समाज में जाता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है पूरे हिंदू समाज का है और समाज जोड़ने का काम करते हैं, ना कि तोड़ने का काम करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भी किसी पार्टी से संबंध रखता है? विश्व हिंदू परिषद किसी पार्टी से संबंध तो नहीं रखता है, बाकी हाँ, जो राष्ट्र की विचारधारा अगर कोई पार्टी रखती है उसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समर्थन करता है। ये जो मशाल यात्रा जो निकाली जाती है, तो मशाल में जो ज्वाला जलती है, तो क्या आपको लगता है कि मशाल यात्रा की ज्वाला प्रत्येक भारतवासी हिंदू के दिल में आप प्रज्वलित कर पाएंगे? निश्चित ही एक दिन हिंदू समाज जागरूक होगा और भारत फिर से अखंड होगा। धन्यवाद।